सूबे में अखिलेश अगस्त क्रांति की मशाल लेकर निकले, लेकिन उन्हीं के मंच पर एक अलग क्रांति छिड़ गई। कार्यकर्ता सिर्फ फुटबॉल में मशगूल हो गए। वाराणसी में देश बचाओ देश बनाओ रैली हो रही थी, पर मंच पर बैठे नेताओं को देश बचाने से ज्यादा फिक्र माइक पर बोलने की थी। जिसे मौका मिला उसका सीना चौड़ा हो गया और जो नहीं बोल पाया वो लड़ने लगा। सपा के क्रांति के मंच पर किचकिच, माइक को लेकर मुंह नोचने को बेताब नेता, क्रांति का मंच बना राजनीति का मंच। अगस्त क्रांति करने निकले थे अखिलेश यादव, देश बचाओ देश बनाओ रैली पर निकले थे, लेकिन वाराणसी पहुंचते पहुंचते कार्यकर्ता ऐसी क्रांति कर बैठे कि अगस्त क्रांति की हवा निकल गई। कुर्सियां सजी थी एक अलौकिक अलग को जगाने के लिए, लेकिन यहां तो सारी नीतियों का ही कचूमर निकल गया। लोकतंत्र को बचाने के लिए समाजवादी मुखारविंदों से धारा प्रवाह जारी था और देखते देखते पराक्रम का ये प्रवाह अनुशासनहीनता में बदल गया। जगह थी वाराणसी का शास्त्री घाट, नेता कार्यकर्ता सब भाव विभोर, साइकिल को एकदम लखनऊ तक पहुंचा ही देना था। चार बार में भी नेताजी डीमोनेटाइजेशन नहीं बोल पाए, चलिए कोई बात नहीं, देश बचाना था। माहौल बन रहा था, भावनाएं कुछ ज्यादा उमड़ने लगी थी, अब आहिस्ता आहिस्ता उंगलियां दिखाने का दौर शुरू हो रहा था। गालियों के साथ सत्ता से बेदखल होने के बाद पहली बार तो धूप में सड़क पर उतरे थे कार्यकर्ता, तभी बोलने को लेकर शुरू हुई बहस और देखते ही देखते बहस ने भिड़ंत का रूप ले ही लिया। कि समाजवादी पार्टी का मूल नारा है हल्ला बोल, उनका इस नारे से ही समझ में आ जाता है समाजवादी पार्टी का किस तरह का अराजक चरित्र है। समाजवादी पार्टी जब सत्ता में रहती है तो भी अराजकता फैलाती है और शासकीय स्तर पर अराजकता का संरक्षण करने का काम करती है। आज उत्तर प्रदेश में सत्ता नहीं है, लेकिन अपने समाजवादी पार्टी मूल चरित्र से नहीं भटक रही है। जातिवादी आधार पर राजनीति करने वाले लोगों में अराजकता की जिस तरह की भावना है, उसके कारण ही आज जनता ने उनका यह हश्र किया है। समाजवादी पार्टी अपनी अराजकता को छोड़े, वरना उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, योगी सरकार में कानून का उल्लंघन करने वालों के साथ अच्छा सलूक नहीं होगा, ये बिल्कुल तय है। देखिए, जो ये अभियान चल रहा है, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर ये अभियान है, देश बचाओ देश बनाओ का अभियान है। यदि इस तरह की कुछ घटनाएं हुई हैं तो मैं समझता हूं कि निंदनीय है, नेताओं को इससे बचना चाहिए और आज सबसे ज्यादा जरूरत है कि खुद न लड़कर, मैं समझता हूं कि आज उन सत्ताओं से लड़ना चाहिए या उन ताकतों से लड़ना चाहिए जो देश को बर्बाद करना चाहती हैं, जो आज अघोषित आपातकाल जिस तरह की स्थिति आज देश के अंदर पैदा हो गई है, लड़ने की जरूरत उनसे है, आपस में नहीं है। आपस को मजबूत कीजिए और पार्टी को मजबूत कीजिए, इस तरह की चीजों से बचें। मैं समझता हूं कि आपके में भी है, देश में भी है। बड़े मौके पर हर कोई भावनाओं से भरा होता है, सब बोले जा रहे थे। पूर्व महानगर महासचिव लालू यादव की बारी आ ही नहीं रही थी, मंच संचालन करने वाले महानगर अध्यक्ष राजकुमार को उनकी फिक्र ही नहीं थी, लिहाजा बीच मंच पर खड़े हो गए लालू यादव और शुरू कर दिया भला बुरा बोलना। लालू ने क्रांति वाले मंच से क्रांतिकारी आरोप लगाने शुरू कर दिए, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप। देखिए, हम लोग अखिलेश जी के सिपाही हैं, समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं। जहाँ परिवार बड़ा होता है, थोड़ा सा बर्तन आपस में खटर खटर होता है, आपस में कोई ऐसा बात नहीं है। आपने अभी कहा कि राजकुमार जायसवाल के खिलाफ जो है हम लोग दो बस लखनऊ जाएंगे, एकदम जाएंगे, क्योंकि एकदम जाएंगे राजकुमार जायसवाल के खिलाफ। क्यों? समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। नहीं होना, क्या उत्पीड़न? जिले के अध्यक्ष, महानगर के उत्पीड़न क्या है? सब बैठा है, सबको सम्मान दो, सबका इज्जत कीजिए, है संघर्ष का बेला है, है? हम लोग अखिलेश जी के सिपाही हैं, फोन करके कहते भी नहीं हैं, हम लोग छुपने वाले आदमी नहीं हैं, फोन करके कुछ कहते भी नहीं हैं, समस्या भी नहीं बताते। इनका क्या है? अभी तो ये अध्यक्ष से हटा दिए जाएंगे, जाके बक्से की दुकान खोल के बैठ जाएंगे, बाकी लालू यादव संघर्ष करेगा ही भाजपा के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, जुलम के खिलाफ। लालू यादव ने झुकने वाला है न टूटने वाला। सत्ता चली गई, अहंकार उतर गया, लेकिन फिर भी संस्कार नहीं सीख पाए कार्यकर्ता। सपा के इन समाजवादी दुश्मनों ने सपा के मंच पर ही सारे आंदोलन को मिट्टी में मिला दिया। अहम सबको प्यारा था, पार्टी नहीं, पार्टी का कार्यक्रम भी नहीं। जो कार्यकर्ता खुद को नहीं बदल सके वो देश क्या बदलेंगे, लिहाजा विरोधियों का सवाल उठाना लाजमी था। सपा की पूर्व सरकार के जो कार्यकर्ता थे वो अपनी लड़ाइयों की वजह से जाने जाते थे, अब सरकार भी नहीं है लेकिन उनकी लड़ाइयाँ जो हैं वो आम तरीके से नजर आ रही है मंचों पर। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिन कार्यकर्ताओं के बल पर जीत या आंदोलन प्रदेश में बड़ी करने के दावे किए जाते हैं, वो दावे तब खोखले साबित होते हैं जब अमूमन
कार्यकर्ताओं की इस तरह की तस्वीरें निकल कर आती हैं कि खुले मंच पर लड़ाई करते नजर आते हैं। कैमरा पर्सन राजेश अधिकारी के साथ राजू श्रीवास्तव, वाराणसी समाचार।